हेलो एवरीवन, आपको क्या लगता है आज की कहानी किस बारे में होगी? सोचो। एक कैटरपिलर के बारे में। बिल्कुल सही। इस कहानी का नाम है भूखड़ कैटरपिलर। इसे एरिक कैरले ने लिखा है। तो चलो शुरू करें। एक बार एक अंधेरी रात में एक पेड़ के पत्ते के ऊपर एक छोटा सा अंडा आराम कर रहा था। उस अंडे के अंदर था एक बहुत ही नन्हा सा कैटरपिलर। तो रविवार की सुबह जब सूरज निकला और फट से उस अंडे के ऊपर सुनहरी सी धूप की, तो उसके अंदर से अंगड़ाई लेते हुए निकला एक छोटा सा कैटरपिलर। और जैसे ही वो बाहर निकला, वो इधर उधर देखकर खाना ढूंढने लगा। उसे लगा कि इतनी भूख लगी है, अब तो मुझे जो भी खाने को मिले मैं खा लूंगा। सोमवार को वो सेब खाते खाते दूसरी तरफ निकला, पूरा सेब खत्म करकर, पर फिर भी उसकी भूख नहीं मिटी। मंगलवार को उसने दो नाशपाती खाई और खाते खाते बाहर निकला, लेकिन फिर भी उसकी भूख मिटी ही नहीं। फिर बुधवार को उसने सोचा कि ये इतने स्वादिष्ट आलू बुखारे अगर मैं खाऊंगा तो मेरी भूख तो जरूर ही मिट जाएगी। उसने एक एक करके तीन आलू बुखारे खाए और उनमें से भी बाहर निकला, लेकिन उसकी भूख फिर भी नहीं मिटी। फिर गुरुवार को उसने बहुत ही रसीली चार लाल रंग की स्ट्रॉबेरीज खाई और उसके दिल को तो शांति सी मिल गई, पर उसकी भूख वो तो मिटने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर आया शुक्रवार और शुक्रवार को उसने खाई खट्टी मीठी नारंगी रंग की दिखने वाली संतरा। उसने पांच संतरा खाई, लेकिन फिर भी उसकी भूख मिटी ही नहीं। देखते ही देखते शनिवार आ गया। उसने खाया केक, आइसक्रीम, एक फ्रूट अचार, पनीर का एक टुकड़ा और एक सलामी, लेकिन फिर भी वो भूखा का भूखा ही रहा। फिर उसने खाया एक लॉलीपॉप, एक चोरी पाए, एक कबाब और एक छोटा सा कप, और फिर उसने खाया एक तरबूज, जिसे खाकर वो दूसरी तरफ से बाहर निकल गया, लेकिन फिर भी उसकी भूख नहीं मिटी थी। और अगले दिन कैटरपिलर को दिखा एक बहुत ही हरा भरा और रसीला सा पत्ता। उसने पत्ते को एक तरफ से खाना शुरू किया और खाते खाते उसके दूसरी तरफ निकल गया। इस पत्ते को खाने के बाद कैटरपिलर को थोड़ा उसके पेट में शांति सी हो गई और अब वो भूख के अलावा कुछ और सोच सकता था। पर जब उसने अपने आप को देखा तो उसे एहसास हुआ कि अब वो कोई छोटा कैटरपिलर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मोटा कैटरपिलर बन चुका था। अब उसने आराम करने के लिए अपने चारों ओर एक खोल बना लिया, एक छोटा सा घर जिसमें उसने दो हफ्ते से भी ज्यादा आराम किया। फिर उस खोल को चबाते चबाते उसमें छेद किया और उसमें से निकली एक बहुत ही सुंदर तितली।